आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोग को सबसे छोटा पतंग दिखाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर यार आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने नया और यूनिक पतंग बनाया। तो आज पीछे होंगे जी मेरे अब बकर भाई के और हमारे साथ जी राशिद भाई, जो के पतंग उड़ाने में यार बहुत ही ज़्यादा प्रो हैं। तो आज हम लोग उनसे पीछे करेंगे और देखते हैं कि वो हमसे जीत सकते हैं या हम उनसे जीत सकते हैं। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बकर भाई कौन जीतेगा आज? तो यार आज तो मैं विन करूंगा। तो यार आप लोग देखें कि ये वाला शरला मुझसे भी बड़ा है यार। तो ये वाला शरला मैं उड़ाऊंगा, ये वाला पतंग उड़ाएंगे जी राशिद भाई और वो पतंग उड़ाएंगे जी अब बकर भाई जी। तीनों का पहचाऊंगा, देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कौन जीतता है। तो फाइनल यार देखे के हमारे पास कितने कितने बड़े गुड्डे। तो यार राशिद भाई स्पेशल हम लोगों से पीछे करने के लिए आज हमारे पास आए। तो यार आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना कि कौन सा गुड्डा करो भाई सबसे प्यारा है। हाँ कमेंट करके यार लाजमी बताना। तो यार अभी हम लोग इस बड़े पतंग की तलाश में डालने लगे। तो यार आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यूनिक पतंग बनाया और एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इस तरह का पतंग उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, इसकी कितनी ज्यादा खास होती है। यार ये देखे ये मुझसे बड़ा पतंग है, ये देखे अब बकर भाई से बड़ा। तो यार पता नहीं इसकी कितनी ज्यादा खास होने वाली है। उड़ गया तो हम लोग अब बकर भाई इस तरह के कितने बनाएंगे? पांच बनाएंगे। तो यार देखे कि इतना बड़ा गुड्डा कि हम लोग यार खड़े होकर तलाश में डाल रहे हैं। तो मुकरम भाई आज किसकी कटेगी? आज मेरा ख्याल तुम्हारी और नासर भाई की कटेगी। और यार इसकी लंबाई आप लोग चेक कर सकते हैं कितना ज्यादा लंबा है, मुझसे भी बड़ा है। अब बकर भाई से भी लंबा है और मुकरम भाई से भी लंबा है। फाइनल यार अभी मैंने ऊपर तला में डाली तो अभी नीचे तला में डालूंगा। और यार ये खुद खड़ा बकर भाई? हाँ मुकरम भाई किधर है? यार देखो इतना बड़ा पतंग है कि मुकरम भाई पीछे नजर नहीं आ रहे। तो अभी नीचे तला में डालते हैं और जल्दी जल्दी बड़ा पतंग उड़ाते हैं। अभी मैंने बड़े शल्ले की तला में डाली है। तो ये देखना यार बहुत ही बड़ा, ये तो क्या चीज है भैया, खीर आई है। ये तो मुझसे भी बड़ा है। मैं कर नहीं देना, कर नहीं देना, छोड़ दो। तो फाइनली यार सबसे पहले हमारा बड़ा पतंग उड़ेगा। तो देख सकते हैं कि यार हमारा शल्ला फाइनली इस वक्त हवाओं के अंदर चला गया। ऐसे लगता है कि कोई सांप उड़ रहा है, इतना बड़ा गुड्डा ऊपर जाके बिल्कुल ही छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन यार जब नीचे आ जाए तो कमाल ही हो जाता है। तो यार देखे कि शल्ला बिल्कुल ही हवाओं के अंदर चला गया और इसकी यार आवाज बहुत ज्यादा है, यहाँ तक सुनाई दे रही है बिल्कुल साफ। जब यार ये हवाओं में जाता है तो सांप की तरह यार लगता है। तो फाइनल यार देखे के बड़ा शरला बिल्कुल यार हवा के अंदर चला गया, बिल्कुल यार छोटा छोटा नजर आ रहा है लेकिन है बहुत ही कमाल का। सर भाई शरला कैसा है? बकर भाई मजा आ गया, ये मैंने पकड़ा हुआ और चेक कर यार कस भी यार बहुत ही ज्यादा। तो नासर भाई आज कौन विन करेगा? मैं ही विन करूंगा आज। तो यार देखते हैं कौन विन करता है। तो फाइनल यार देखे के अभी भाई राशिद उड़ाने लगे। तो यार देखते हैं कि आज कौन विन करता है। तो अभी मैं भी उड़ाता हूँ, देखते हैं तीनों में से कौन विन आता है। तो यार अब बकर भाई ने भी उड़ाना स्टार्ट कर दिया है तो काफी यार मजा आने वाला आज की इस वीडियो में। तो यार नासर भाई का पतंग इस वक्त हवाओं में है और बकर भाई का पतंग उड़ गया, भाई राशिद का पतंग भी इस वक्त हवाओं में लग गया। तो अब तीनों के पीछे होंगे, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार अब बकर भाई का पतंग इस वक्त हवाओं में लग चुका है, भाई राशिद का भी और नासर भाई का भी। यार अब तीनों के पेचे लगने होने वाले हैं। तो यार बकर भाई मैं तीन गुनूंगा, पेचे लगाना स्टार्ट कर देना। तो फाइनल यार देखे कि हम तीनों के पतंग उड़ चुके हैं। तो अब देखते हैं नासर भाई कौन विन करता है। यार राशिद भाई भी सच में बहुत ज्यादा पतंगे काटते थे, तो आज देखते हैं कि वो हमारे पतंग काट सकते हैं नहीं काट सकते। तो बकर भाई रेडी रेडी करो स्टार्ट। यार मैं बकर भाई तीन करूंगा, आप लोगों ने अपने पेचे लगाना स्टार्ट कर देना है। एक दो तीन। फाइनली यार अभी सबके पेचे लग चुके हैं तो देखते हैं कि यार किसका पतंग कटा। काफी जबरदस्त मुकाबला हो रहा है यार। मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत पतंग वो पीला और लाल लग रहा है। यार देखो कि एक साथ तीन तीन के पेचे लगे और इतना बड़ा शरला यार उसका भी पेचा पड़ा है। तो देखते हैं कि मैं विन करता हूँ नासिर भाई या फिर भाई राशिद। यार तीनों के पीछे पड़ चुके हैं और तीनों यार जबड़ चुके हैं इस वक्त बिल्कुल ही। ये हीरा काम डायमंड जैसा लग रहा है। देखो यार बड़ा पतंग कट चुका है उमर भाई, वो देखो। तो यार चेक करें कि शरला इस वक्त हमारा कट चुका है, कैसे सांप की तरह यार जा रहा है नीचे। और बच्चे देखे पकड़ने वाले यार कितने ज्यादा बच्चे हैं, कितने ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। वो देखे फाड़ दिया यार। ओ नो यार सच में यार राशिद भाई ने मेरा इतना बड़ा पतंग काट दिया। तो अभी अब बकर भाई का और राशिद भाई का पेचा लगा, देखते हैं कि राशिद भाई जीतता है या बकर भाई। तो यार चेक करेंगे पेचा लगाने का स्टाइल ही यार बता रहा है कि प्रो प्लेयर है। तो यार मुझे लगता है कि मेरी पतंग भी कट जाएगी, अब देखते हैं कौन विन करता है। तो यार अब बकर भाई के और राशिद भाई के यार पेचे लगे हैं अभी तक,
पेचे यार पलट चुके हैं, लेकिन किसी की नहीं यार पतंग काट रही। तो मुकाबला काफी जबरदस्त हो रहा है, पतंग भी यार काफी दूर चले गए। तो फाइनली यार देखे कि अब बकर भाई के भी पेचे लगे हैं और राशिद भाई के पेचे भी लगे हैं। तो देखते हैं कि अब बकर भाई जीता या राशिद भाई। तो यार चेक करें कि अब बकर भाई किस तरह से झुमके लगा रहे हैं, और राशिद भाई चेक करें कभी उस साइड पे जा रहे हैं कभी इस साइड पे। तो ओ यार चेक करें कि अबू बकर भाई की पतंग कट गई। तो फाइनली यार चेक करें कि राशिद भाई जीत चुके हैं। तो यार पता ही नहीं लगने दिया हुआ क्या मेरे साथ। वो यार राशिद भाई ने सच में हमारी पतंगे काट दी है। यार राशिद भाई सच में प्रो प्लेयर है, बहुत ही बड़े, और यार इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो देखते हैं यार किसकी पतंग कटती है। दोनों प्रो प्लेयर है यार। तो यार इस वक्त अब बकर भाई की पतंग काट कर जा रही है यार, राशिद भाई ने काट दी। राशिद भाई सच में यार प्रो प्लेयर है यार। मुकर भाई आपको क्या लगता है? यार मुझे तो पहले से यकीन था राशिद भाई जरूर सबकी काटेंगे क्योंकि वो प्रो प्लेयर है। वो लड़के ने नीचे से पतंग पकड़ लिया बकर भाई की। तो अभी यार राशिद भाई से पूछते हैं कि कैसी हमारे पतंगे काटने हैं। तो राशिद भाई बताएं। ये मेरा 10 साल का तजर्बा है, ये तो अभी मेरे सामने बहुत ही बच्चे हैं। यार देखेंगे राशिद भाई ने 10 साल का तजर्बा है, तो हम तो यार फिर बच्चे ही हुए ना राशिद भाई के सामने। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह राशिद भाई हम लोग नेक्स्ट भी आप लोग अपने चैनल के ऊपर बुलाएंगे और फिर हम लोग आपके साथ पेचा करेंगे, फिर हम लोग आपको बताएंगे कि हमारा भी 10 साल का तजर्बा हो चुका है। तो ठीक है, नेक्स्ट बार हम लोग फिर से मिलेंगे। चलो अल्लाह हाफिज़। फाइनली यार पेचे किए, मुझे एक बात का पता चल गया कि यार राशिद भाई ने 10 साल पतंग उड़ाई है और हमने यार सिर्फ अभी 2 साल 3 साल पतंग उड़ाई है। तो यार हम लोग ने 3 से 4 साल उड़ाई है, इससे ज्यादा नहीं। तो राशिद भाई ने यार 10 साल का तजुर्बा, कहाँ पे 3 साल का तजुर्बा, कहाँ पे 10 साल का तजुर्बा। तो यार मैं देख रहा हूँ सिर्फ 3,000 सब्सक्राइब बाकी है 1 लाख होने को। यार सब्सक्राइब कर दे, 3 दिन आप लोग के पास, जल्दी से कर दे यार 1 लाख। तो इंशाल्लाह गिव अवे होगा, गिव अवे बहुत ही बड़ा होने वाला, पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसके मैं सर फोड़ दूंगा। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम कर भाई मजा आया? हाँ बहुत मजा आया, मजा आया बहुत ज्यादा। राशिद भाई ने तो मेरी भी तंग कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार जब हम लोग राशिद भाई के साथ पेचे करेंगे तो उनको हराना यार। तो फिर उस वीडियो के नाम कर भाई आपने पेचा करना है? करूंगा मैं। मुझे सबसे ज्यादा मजा इसका है कि मैंने वक्कर भाई और नासिर भाई की एक साथ करते हुए पतंग देखी, मुझे बहुत मजा आया पहली बार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो फाइनली अभी मुकरम भाई बड़े शरले की कनी देने जा रहे हैं। तो मुकरम भाई छोड़ दो। तो यार देखे कितना बड़ा शरला, और ये देखे कैसे हवाओं के अंदर जा रहा है। यार ऐसे लगता है कि हवाओं के अंदर सांप उड़ रहा है। ये देखे यार उठ गया, फाइनली यार देखे उठ रहा है, मुझे लगता है कि उठ जाएगा।